सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ, अपने होम टाउन में, एंड वेरी वेरी क्लोज टू द प्लेस वेयर आई लिव। इट्स लाइक माय नेबरहुड। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अच्छा, आई वाज ड्राइविंग थ्रू माय हाउस। मैं घर के पास से निकल रहा था और जा रहा था कहीं, तो रास्ते में मुझे कुछ लोग नज़र आए और मैं रुक गया, और मैं दोबारा फिर वापस मोड़ के गाड़ी आया और मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनमें ये ग्रीन स्क्वाड, इनका नाम है, चेक, ये ग्रीन स्क्वाड है, और ये लोग सड़कों पे, गलियों में, रोड्स के साइड पे दरख्त लगा रहे हैं। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जो जो ना कहीं से फंड लेती है और ना कहीं से इनको कोई ऐसा कुछ पैसे मिलते हैं इस काम के, बस ये सिर्फ अपनी खुशी के लिए और हमारी खुशी के लिए, एंड स्पेशली फॉर अ फ्यूचर जनरेशन एंड पीपल हु यू नो हु आर एनवायरमेंटलिस्ट, उनको पता है कि ये कितना बड़ा काम है कि आज से कुछ सालों बाद जब इसके फ़ायदे होने शुरू होंगे, जब कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद ही जब यहाँ एनवायरनमेंट का जो एक तब्दीली आनी शुरू होती है, जब आप लोगों को देखते हैं कि उस दरख्त की छाँव में बैठे हुए हैं, जब आप चिड़ियों को, परिंदों को देखते हैं कि उनकी शाखों पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद आपके ऐसा ऐसा क्लाइमेट चेंज होना शुरू होता है, फिर आपको पता चलता है कि आपने कितना बड़ा सदका जारी और कितना बड़ा काम किया। ये जी हैं, क्या नाम है आपका भाई? फहद। फहद, कुछ बताइए अपनी एनजीओ के बारे में, ग्रीन स्क्वाड। बेसिकली ये ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स है, हम में से किसी को भी इस काम को भी पैसा नहीं मिलता, और हम लोग कम्युनिटी के साथ ही, हमारा फेसबुक पे एक पेज है, हम लोग बेसिकली वहाँ पे एक फ़ंड अपील करते हैं। और हमने इस सीज़न में, हमारा ये प्लान था कि हम 1,000 फलों के और इंडिजनस दरख्त लगा सकेंगे, वो हमने एक हफ़्ते में अचीव कर लिया था। और अब हम लोग ने फिर प्लान ये किया कि 3,000 दरख्त मसीद लगाएँ, तो उसमें पाकिस्तान आर्मी ने, CDA ने, PHA ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, तो हमने वो भी क्रॉस करने वाले हैं। एंड नाउ वी हैव अ प्लान ऑफ 5,000 ट्रीज प्लांट ऑन 14th of August। अच्छा, तो अब कम्युनिटी इसमें हमें फंड करे और हम लोग मिलजुल के इंडिजनस दरख्त लगाएंगे, फलों के दरख्त लगाएंगे, ताकि प्रिंट। आप कहाँ कहाँ हैं आप लोग, मतलब कौन कौन से शहर में आप लोग का ये? हम लोग पिंडी इस्लामाबाद में कर रहे हैं प्राइमरली, कराची में दोस्तों ने काम स्टार्ट किया है, और अब हम लोग जो है वो कुमराट वैली भी गए थे, और हम लोग रोड से प्लान भी है। अच्छा, आप क्या है? वी आर इको वॉरियर्स। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है हम क्लीनिंग कैंपेन और प्लांटेशन ड्राइव के सिलसिले में कुमराट वैली एक ग्रुप लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो श्योर इसमें आप ज्वाइन करें। ये इससे आपको कुछ नया पाकिस्तान से कोई मोटिवेशन मिल रही है? बिल्कुल सर, ऑलरेडी हम लोग थे, हमें KPA गवर्नमेंट ने बुलाया था, वी वेंट देयर इन कुमराट वैली लास्ट मंथ, एंड वी वर। अच्छा यार, आई वांट टू गेट वन थिंग क्लेरिफाइड, द पीपल से दैट देयर वर लाइक 1 बिलियन trees planted in KPK, and you know, opposition and a few people were totally against this this fact ki hum logo ne wahan KPK mein jo PTI ki government thi usne itne darakht lagaye the, to aisa logo clarify kare ki, kyunki ek jagah pe jahan darakht lagaye gaye the wahan se ek road bhi guzri jisne bahut sare un darakhton ko tabah bhi kiya, to waqai aisa hua tha ki kitne 1 crore darakht lagaye gaye, 1 arab ka dawa tha। Basically jo cheez samajhne ki hai wo ye hai ki jab कहा यह जाता है कि एक दरख्त, एक अरब दरख्त लगे हैं, तो डजंट मीन कि एक अरब दरख्त वहाँ प्लांट किए गए हैं, प्लांट शायद 20 करोड़ या 25 करोड़ ज़्यादा नहीं किए गए। और होता यह है कि जब एक ट्री, एक बड़ा ट्री जब अपनी सीडलिंग कराता है, और वहाँ से आप ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म करते हैं, वहाँ से आप तो होता यह है कि जब मदर ट्री अपनी सीडलिंग नीचे गिराता है, तो उसके साइड पे बहुत से दरख्त जो है वो पैदा होते हैं। और KPK फॉरेस्ट्री ने ये किया था कि वहाँ पर वो तमाम तर टिम्बर माफिया से वो जगहें खाली करवाई, उन्होंने वहाँ पर ग्रेजिंग खत्म करवाई, उन्होंने वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन जो थी खत्म करवाई, तो वहाँ पर अब अगर आप जाके देखते हैं तो वो शायद एक अरब से भी ज्यादा दरख्त जो है वो नए ग्रो कर गए। इधर मैं साथ चल के वो आप दिखाइए इस रोड के ऊपर जहाँ हमने आपने लगाए, और मैं डेफिनेटली अभी एक दरख्त प्लांट करने वाला हूँ। और वो सारे लोग जो ग्रीन स्क्वाड को नहीं जानते, जरूरी नहीं है कि आप ग्रीन स्क्वाड के अंदर आके सब कुछ करें, आप लोग अपने अपने घरों में रह के, जिस शहर में, एक एक छोटी सी अपील ये है कि जब भी दरख्त लगाएं, इंडिजिनस दरख्त लगाएं, प्रेफर करें कि फल का दरख्त हो। हमने आज यहाँ से सफेदे के दरख्त उखाड़े, और वो इंतहाई खतरनाक दरख्त है, सफेदा भी सफेदा बहुत खतरनाक है। अच्छा, मैं तो अपने घर के पास सफेदा, ये जो है पानी जमीन का खुशक कर देता है, सारे के सारे बर्बाद कर देता है। ये अगर आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल जी, मैं अभी दिखाता हूँ ये, आइए आइए आइए, ये पूरी के साथ देखें, पूरी ये बटालियन जा रही है ग्रीन स्क्वाड की, और अभी इन्होंने CDA के साथ मिलके, इंडिजिनस दरख्त का मतलब ये है कि वो दरख्त जिस
जो हमारे माहौल के हैं और जो हमारी एनवायरनमेंट के साथ शायद देखेंगे यहाँ पे मुत्तहिदा मुल्की असेंबली का लगा हुआ है झंडा जो बहुत हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका हमने लगाया दरख्त जरूर हमने लगाया है मगर इस झंडे से हमारा कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा ख्याल है। देखिए जी इस पूरी रोड पे ये आपको मैं दिखा भी दूंगा, ये मेरे घर का रास्ता है, ये अहमद फराज रोड है। बड़े खूबसूरत शायर थे हमारे, मेरे तो बड़े फेवरेट हैं इनका एक एक कलाम, मुझे जुबानी याद है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा घर अहमद फराज रोड पर कहा था लेकिन ये कि ये पूरी रोड पर आप देखें उन्होंने सैकड़ों दरख्त लगा दिए मेरे ख्याल है इस रोड के ऊपर वहाँ आखिर तक, और वहाँ से शुरू हो रहा है और वहाँ ख़त्म हो रहा है। मैं रोड पे खड़ा हो रहा हूँ, यहाँ मुझे सेल्फियों का रश्मि। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हमारा प्लान ये था अहमद। हाँ जी अभी अभी लेते हैं अभी लेते हैं। हाँ तो हमारा प्लान ये था सिटी के साथ मिलकर के थ्रू आउट इस पूरी रोड पर, हम लोग 2.5 किलोमीटर का ये रोड है इस सब पर हम अमलदास से गाते हैं बेसिकली, ये पीले इस पे फूल आते हैं बड़ा खूबसूरत होता है। अच्छा एक और चीज़ होती है जिस तरह कराची में एक दरख्त लगाया है उन्होंने, जी क्या नाम है कोर्नोकार्पस, कोर्नोकार्पस, और वो सुना है कि बहुत खतरनाक दरख्त है जिस तरह से सफेदा है। पेपर मलबरी इस्लामाबाद में बहुत सारा काश हुआ था जिससे बहुत सारी एलर्जीज फैली। सो कोशिश ये कीजिए कि आप जब भी दरख्त लगाएं जिस तरह लिखा कि इंडिजिनस हो यानी आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से हो, फलों का हो तो उसके डबल पाए गए कि उसमें परिंदे भी आएंगे और आप लोगों को। इस्लामाबाद ने बहुत देखा है कश्मीर में भी माल्टे के दरख्त लगे हुए हैं और बहुत सी जगहों पर ऐसे फलों के दरख्त लगे हुए हैं, वो फल लोग तोड़ते भी नहीं है। हमने 500 और अब वहाँ पे एक अर्बन फ्रूट फॉरेस्ट बन चुका है। अच्छा तो आप वहाँ पे जाते हैं आपको गुदारियाँ नजर आती हैं, आपको तोते नजर आते हैं, आपको मैनाएं नजर आती हैं, फाफाएं नजर आती हैं और बहुत से आपको खूबसूरत परिंदे नजर आते हैं। मेरी कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितना ज्यादा हो सके फलों को जरा लगाएं ताकि परिंदे वापस आ सके। अभी मैं एक तस्वीर भी आपको शेयर करूंगा, छोटे छोटे 2-3 बच्चे आए हुए थे वो ऐसी वो बस ये कि जिस तरह से वॉलंटियरली होते हैं तो लोग हमारे हाथों से बेचे ले लेते हैं और छोटे छोटे बेचे लेके भी आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा बल्कि अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा कि वो छोटे से बच्चे जो थे वो कर रहे थे। और ये कितनी अच्छी थॉट है, इस दफा 14 अगस्त पे कोशिश करें कि किसी ने एक चीज शेयर किया। एक अपील करना चाहूँगा कि हम लोग ऑलरेडी इस वक्त CDA के साथ, PHA के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग पैसे दें ताकि हम लोग दरख्त खरीद सकें और जो दरख्त आप लगाएंगे उसकी 100% गारंटी है कि वो सर्वाइव करेगा, उसको PHA ऑन करेगा, उसको CDA ऑन करेगा, उसको पाकिस्तान आर्मी ऑन करेगी। और यहाँ की तो खैर लैंड भी इतनी फर्टाइल है इस्लामाबाद की, आप देखें अभी भी ये मॉइस्ट है कि यहाँ जो है वो दरख्त बड़े आराम से लग जाते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली जब लेटली ये जो रोड्स जो हैं वो वाइडन हुई हैं, मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, मेरा अर्बन प्लानिंग से ताल्लुक है, रोड्स वाइड हुई, फिर ये बहुत सारी जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, ये ब्लू एरिया क्रॉसिंग हो रही है, ये जो अभी मेट्रो बनी थी इससे इतना ज़्यादा दरख्तों को काटा गया और जो ग्रीन बेल्ट थी वो सारी की सारी बर्बाद हुई। तो उस जो एनवायरमेंटल बैलेंस को दोबारा से रिटेन करने के लिए आपको चाहिए होगा कि आप जो छोटे छोटे दरख्त आज नहीं तो आज से 5 साल बाद आप देखेंगे और बड़ी खुशी होती है। हारून कौन है, हारून नाम से हारून, बड़ी खुशी होती है जब आप देखते हैं कि आपका लगा हुआ पौधा जब बढ़ता है। तो वो मैं जिस घर में शिफ्ट हुआ था वहाँ मैंने आज से कुछ 5-6 साल पहले दरख्त लगाए थे, आज वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। इतनी मुझे खुशी होती है कि मैंने शायद कुछ छोटा बहुत कंट्रीब्यूट किया टू सोसाइटी। आप लोग भी अपने अपने घर में जहाँ भी अपने अतराफ में जहाँ जाएँ, इवन मैं ये भी कहता हूँ कि जो जामुन की गुठलियाँ आप खाते हैं या आप जो फल खाते हैं उसको आप डस्टबिन में ना फेंकें, उनको भी आप सुखा के ड्राई करके ज़मीन में बोलें कुछ नहीं तो ऐसे ही वो निकल आएंगे। बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के खत्ते में इसी तरह आए, जब अरब से खजूर थी वो इसी तरह आई थी कि वहाँ से लेकर आए थे और यहाँ उन्होंने फेंक दी थी, उसके बाद में यहाँ प्लांट होना शुरू हो गई। तो और कुछ कहना चाहेंगे जी? सही है, कम्युनिटी एंगेज हो, अदारे हमारे साथ हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट, अभी नया रिजीम आया जो कि इन्वायरमेंट पर बहुत काम कर रहा है। ये गवर्नमेंट लेवल से अकेले नहीं कर सकते और ये इंस्टीट्यूशंस भी नहीं कर सकते जब तक आवाम, जब तक कम्युनिटी एज अ होल एंगेज नहीं होगी। तो अदारे हमारे साथ हैं, कम्युनिटी अगर हमारे साथ आती है तो हम इससे भी 10 गुना बड़ा काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये हम लोगों का मैसेज है जी। और मैं अभी दावे तो बहुत करते हैं कि हम कुछ बड़ा कर सकें, लेकिन ये एक ऐसा काम है कि हम छोटे लेवल से काम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा एफर्ट्स भी हमारी इसमें नहीं लगती हैं, तो एक बहुत पॉजिटिव काम। मतलब काला बाग डैम जो है वो हमें से हर कोई नहीं बना सकता मगर हमें से हर एक मतलब दरख्त लगा सकता है। और ये जो दरख्त होते हैं ये बेसिकली ये काला बाग डैम भी डेफिनेटली एनवायरनमेंट के लिए ही काम हो रहा है, ये दरख्त भी एनवायरनमेंट, ये वन वे और अनदर हम सब एनवायरनमेंट के लिए किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लांट एटलीस्ट 1 tree वंस अ वीक, वंस अ मंथ और एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। 16 करोड़ लोग हैं, अगर हम 10-10 दरख्त भी लगाएं तो सोचें। सो और ये कितना क्या 5 मिनट लगता है, कितनी ज़रा काम है, 10 मिनट का काम है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा सदका जा रही है। चिड़ियाँ परिंदे जानवर तक दुआएं दे रहे होते हैं जो कि हम नहीं समझ रहे होते। सो आइए फिर लगाएं, कुछ लगाएं, कहाँ लगाएं?
कहाँ है अभी सर? नहीं जाते हैं उसी को मैक्सिमम मेजोरिटी में लग चुके हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अभी तो इनके पास यहाँ के आज का तो इनका टास्क पूरा हो चुका है। मैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हूँ, सो जैसे ही कल का कोई मिशन होगा तो मैं डेफिनेटली इनका आपको एक दरख्त लगा के भी दिखाऊंगा, ताकि आपको भी ये चीज़ एक इस चीज़ से एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचे। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो चाहे दुनिया में जहाँ भी हैं, इसलिए कि बेसिकली दुनिया हमारा घर है, दुनिया हमारी हमारी जो मदर अर्थ है हम कहते हैं ना, इस हमारी पूरी दुनिया हमारी है। आप मेरे फैंस जितने भी दुनिया में, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो अरब कंट्रीज़ में है, या वो ब्राज़ील में है, या वो चाहे कौन से मुल्क में, टर्की में, जहाँ भी हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लांट अ ट्री एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, एंड आई एम गोइंग टू प्लांट अ ट्री नाउ और टुमारो, बट डेफिनेटली आई विल कीप प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, एंड गुड लक ग्रीन स्क्वाड फॉर डूइंग दिस, सच अ ग्रेट एफर्ट फॉर आवर सोसाइटी, फॉर अस। जी ओके जी, ये पोस्ट मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वॉल पे हमेशा रहे, सिर्फ बचा के ही रखिएगा। राइट, ठीक है, ओके जी, बाय।